HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देशद्रोह के मामले में फंसी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की परी और मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और उसकी सहयोगी सुखदीप कौर को शुक्रवार शाम अंबाला सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हनीप्रीत को अंबाला जेल भेजा गया, जबकि सुखदीप कौर पर हनीप्रीत को शरण देने का आरोप है। इस दिन शाम करीब 6 बजे 4 गाड़ियों के काफिले के बीच बंदियों वाली गाड़ी में हनीप्रीत को जेल में लाया गया। रात करीब 8:15 बजे तक डॉक्टरों की टीम जेल के अंदर ही थी और हनीप्रीत की स्वास्थ्य जांच की गई। मालूम हो कि हनीप्रीत और सुखदीप कौर से पहले अंबाला सेंट्रल जेल में 45 महिला कैदी व बंदी रह रही हैं। हनीप्रीत इस जेल की 46वीं और सुखदीप कौर 47वीं महिला बंदी बनी। 25 अगस्त को पंचकूला में हिंसा के बाद से 38 दिन तक फरार रही हनीप्रीत शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन विपासना को अपने सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मालूम हो कि हरियाणा पुलिस की एसआईटी के नोटिस पर विपासना शुक्रवार को जांच में शामिल हुई थी। विपासना ने जांच के दौरान हनीप्रीत का फोन पुलिस को सौंपा।